संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल के व्यापारियों ने राजधानी लखनऊ डॉलीगंज में 70वें गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष अंजनी कुमार पांडे थे। कार्यक्रम में अतिथियों ने ध्वजारोहण कर देशभक्ति के गीत कार्यक्रम प्रस्तुत किए। देशभक्ति के कार्यक्रमों की मार्मिक प्रस्तुति से दर्शकों व अतिथियों की आंखों में आंसू आ गए, जिसमें लखनऊ नगर अध्यक्ष मोहम्मद अजीम कुरैशी, मोहम्मद वसीम कुरैशी, डॉक्टर सीमा रिजवी, इरशाद अली, कृतिक रस्तोगी सहित क्षेत्रीय लोग उपस्थित रहे। हम लोग के बीच में मैसेज जाता है, आने वाली पीढ़ियों को ये मैसेज जाता है कि हम लोगों को आपस में एकता और भाईचारा बना करके रहना चाहिए। हम लोगों के भाईचारा से हमारी ताकत हमेशा प्रबल रहेगी, ताकतवर रहेगी। कभी भी मुझे कोई अराजक तत्व मिला नहीं पाएगा। जैसे कि अभी आप कल धरना प्रदर्शन कर रहे थे व्यापारियों के लिए, तो उसमें क्या हुआ पूरा मामला? कल की डेट में नगर पंचायत द्वारा व्यापारियों का शोषण किया जा रहा था, व्यापारियों से अवैध वसूली की जा रही है, जिसमें माह नवंबर में 21,000 रुपये बक्सी तालाब के व्यापारियों को दिया जा चुका है। वहाँ के चेयरमैन गप्पू सिंह चौहान द्वारा अवैध वसूली की गई, उसके बावजूद भी 2,50,000 रुपये जबरदस्ती डिमांड कर रहे हैं व्यापारियों के साथ, जास्ती कर रहे हैं। जो व्यापारी पैसा देने में अक्षम हो रहे हैं उनको उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, उनके ऊपर मुकदमा लगवाने की बात कर रहे हैं, उनके ऊपर मुकदमा लगवा रहे हैं। कल आपकी वार्ता हुई थी SDM से और CO साहिबा से, तो क्या हुआ वहाँ पर, क्या आश्वासन दिया गया? देखिए, जो मेरी वार्ता हुई, पहले तहसीलदार आए, तहसीलदार के बाद में आपकी CO के बाद में SDM पहुँची। तीनों लोगों ने मिलकर के पहले तो व्यापारियों को आश्वासन दिया कि आप लोगों के हित में काम किया जाएगा, आप लोगों की जो समस्याएं हैं उनको निदान की जाएंगी। उसके बाद में जब नगर पंचायत कार्यालय पहुंचते हैं, इनसे चेयरमैन जी मिलते हैं, तो चेयरमैन की वार्ता के बाद में इनका टोन चेंज हो जाता है, ये बदल जाते हैं। उसके बाद में व्यापारी फिर धरने पर आ जाता है। जब व्यापारी पुनः धरने पर आकर के वो कहता है कि मुख्यमंत्री को हम जाकर के ज्ञापन देंगे, तो उसके बाद में फिर पुनः इनकी टोन चेंज होती है और ये लोग व्यापारियों को आश्वासन देते हैं कि 3 दिन के अंदर अंदर आप लोगों की सारी समस्याएं खत्म की जाएंगी, अभी अवैध वसूली खत्म की जाएगी, वहाँ पे नगर पंचायत द्वारा रखी हुई दुकानें हटाई जाएंगी और व्यापारी जैसे 20 वर्ष से वहाँ व्यापार कर रहे थे उसी तरह से अपना व्यापार करते रहेंगे। अध्यक्ष सबको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अंजनी कुमार पांडे जी ने कहा है, हम लोग उनके साथ हम साथ में साथ हैं। अंजनी कुमार पांडे जी हमारे कहेंगे उनके साथ हम लोग कदम से कदम मिलाकर चलेंगे।